Good morning, everyone. How are you doing? I hope you're all doing well for yourselves. Good morning. Good morning, my lovely, lovely children. How's your day? I hope you're having a life without regrets, right? You're coming out of abusive, meaningless relationships. You don't have the fear of rejection. Good morning, Sayed, Dipanshi, Saima, Lavanya. Good morning, everyone. I hope you're doing well. Yes, part four. Menti quiz, kis saath, organisms and populations, ready? Steady? And guys, kal one shot lecture kaisa laga pehle ye batao. Did you go and see the one shot lecture? Did you go to Biotonic for NEET? क्या आपने वीडियोस पे जाके डिड यू सी द वन शॉट लेक्चर? क्या आपने सब कुछ पूरा रिवाइज कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का? इसका आज शाम को एसर्शन रीजन का क्विज है. डन? यो गुड इवनिंग. मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरे बाल रोज इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं. मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा है ये मेरे बाल हैं या मैंने विग पहना है. यस बट नेवर माइंड. यस एवरीबॉडी डन. उसके बाद आज के वीडियोस देख लीजिए. आज इसी एसर्शन रीजन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स इसी का मैं एसर्शन रीजन का क्विज लेने वाली हूँ. सेम चीज का क्विज. सोनाली होनराव आई होप यू डूइंग वेल. एवरीबडी इज डूइंग वेल. एंड शाम को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर वन रूट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होने वाला है. डन? दैट्स शार्प एट 7 PM इन द नाइट. ओके गुड मॉर्निंग एवरी सिंगल वन. आई होप एंड आई सिंसियरली होप दैट यूर ऑल डूइंग well. And guys, show some love. How do you show some love? You have to hit the like button. You have to make sure that you, each one of you, also becomes a part of Vedantu Biotonic by liking, sharing, subscribing. चलिए तो इसका मेंटी क्विज भी करवा देते हैं आपको. और इसका क्विज भी है फाइनली. इसका हम क्लास खत्म कर देंगे. परसों से आपका मैं लिविंग वर्ल्ड वाले नहीं परसों से पता है लिविंग वर्ल्ड भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो. प्लांट फिजियोलॉजी. गुड मॉर्निंग. मार्क योर अटेंडेंस. यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग. चलिए वाणी सुत्वा वेदांत में ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी टेलीग्राम कंपैशन ग्रेटिट्यूड. गेट इन टच विद मी. जो भी प्रॉब्लम्स है पूछ लीजिएगा. एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशन दैट वी हैव फॉर यू. राइट? चलो पॉपुलेशन कर ले फटाफट से. राइट एवरीबॉडी व्हाट से? यस मैम. यो मैम ऑन माई चैट सेक्शन. गुड मॉर्निंग. चले सब दिखाई दे रहा है. राइट? व्हाट इज अ पॉपुलेशन? डिफाइन कीजिए मेरे लिए. पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. ह्यूमन की पॉपुलेशन हो सकती है, डॉग्स की हो सकती है, कैट्स की हो सकती है, जैकल्स की हो सकती है, हाइनास की हो सकती है, काउस की हो सकती है, बुल की हो सकती है. बट अगर सब मिक्स हो जाए, स्क्विरल्स की हो सकती है, बर्ड्स एक टाइप की हो सकती है, माइनास. बट अगर मिक्स हो जाए तो बनते हैं कम्युनिटी. तो एक ज्योग्राफिकल एरिया में कितने इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज रह रहे हैं ये कहलाते हैं पॉप्यूलेशन. क्या कहलाते हैं? पॉप्युलेशन. इज दैट क्लियर? परक्षम, सैयद, मेघा, गरिमा, दीपा, पौरव गोयल, इज दैट क्लियर? दे आर कॉल्ड एज पॉप्युलेशन. बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन इज द डेंसिटी. सबसे अगर एरिया कम है और लोग ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. एरिया ज्यादा है, लोग कम है तो डेंसिटी कम हो जाएगी. सो इट इज रेफर टू एज द डेंसिटी. और पॉपुलेशन को मेजर करने की जैसे वेदांतु बायोटोनिक की पॉपुलेशन, ऑल बायोटोनियंस ह्यूमन बीइंग बायोटोनियंस पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज दैट लिव इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया. राइट? ऐसे बायोटोनियंस की पॉपुलेशन होती है, ऐसे इक्वलाइजर्स की पॉपुलेशन होती है. राइट एवरीबॉडी डन. गुड मॉर्निंग. परफेक्ट. सो चार इसके चार पार्ट्स होते हैं. देयर आर फोर फोर लाइक you know regions and four parts of a population. So you have natality, mortality, immigration, immigration. Done? Done beta ji. Yo everybody. Chalo Biotonians, ab main aapko batati hu uske char parts kaise hote hain. Chaliye la 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 la. Kaise ho Biotonians? सर्दी कितनी पड़ रही है आपके घरों के आसपास बायोटोनियंस? राइट? चलिए तो ये है अगर आपकी पॉपुलेशन. तो दो चीजें पॉपुलेशन को इंक्रीज करती हैं और दो चीजें पॉपुलेशन को डिक्रीज करती हैं. ठीक है? दो चीजें पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है, दो डिक्रीज. अगर किसी का बर्थ हो रहा है जिसको आप नेटैलिटी भी कहते हो तो बर्थ से तो पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज.
अगर कोई उस पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है, अभी अगर नए नए सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे, आज हमारा सब्सक्राइबर काउंट है 7.71, हो सकता है कल हमारा सब्सक्राइबर काउंट हो जाए 7.72, दैट मींस नए लोग जुड़ रहे हैं. अगर नए लोग जुड़ रहे हैं तो उसे कहा जाता है पीपल आर एंटरिंग इनसाइड इन इमिग्रेशन. राइट, सर्दी प्लस बारिश, हाय राम पृथ्वीराज, इससे भी हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. अगर लोग हमें छोड़ के जाएंगे, एग्जिट कर रहे हैं, कई होते हैं गंदे बच्चे, पढ़ पढ़ा के डॉक्टर बन के ओके टाटा बाय बाय, एमीग्रेशन, इससे पॉपुलेशन कम होती है. और अगर किसी की, इसे कहेंगे मोर्टैलिटी, इससे भी पॉपुलेशन कम. सो दो चीजों से पॉपुलेशन कम होती है और दो चीजों से पॉपुलेशन बढ़ती है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? व्हाट आर द टू थिंग्स विच आर गोइंग टू कॉज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन? आई एंड एन, इन आई एन, इमिग्रेशन, नेटैलिटी. व्हाट इज द वन विच इज गोइंग टू कॉज एग्जिट? ई एंड एम, ई एम, ई एम, आई एन, ई एम. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? परफेक्ट. सो ये चार्ट क्लियर है. मेंटी क्विज इज देयर टुडे, सो वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द मेंटी क्विज वेरी वेरी सून. ये रहा डन. डेंसिटी क्या है? देखो बेटा, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या है? डेंसिटी, आज क्विज है, ओके, क्विज आ रहा है जल्दी से. तो डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी तो बहुत ही सिंपल चीज है. डेंसिटी आपने देखा होगा, बॉम्बे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, दिल्ली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, ढाका बांग्लादेश डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, न्यूयॉर्क डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, फ्रैंकफर्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई. राइट, अगर यहीं पे मैं कोई गांव का नाम ले लूं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है. देखो मॉर्टैलिटी होता है डेथ, मॉर्बिडिटी का मतलब वो होता है कि यार आदमी चल फिर नहीं पा रहा है. लावण्या पूछ रही, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी? मॉर्टैलिटी इज डेथ, मॉर्बिडिटी, को मॉर्बिडिटी मीन्स इट्स क्लोज टू मॉर्टैलिटी. द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, द पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, द पर्सन इज नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली. मॉर्बिडिटी इज दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. सो दीज ऑल आर द एरियाज वेयर द पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज. दीज आर कॉल्ड एज हाई डेंसिटी. सो डेंसिटी क्या है? अगर एरिया कम हो जाता है, एरिया छोटा है, दिल्ली का एरिया कम है, इतना ज्यादा नहीं है, और पॉपुलेशन बहुत हाई हो जाती है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. दोबारा लिखती हूँ, साइड में लिखती हूँ ताकि दिखाई दे. अगर एरिया कम, तो बेसिकली डेंसिटी क्या है? बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी पैरालिसिस भी आता है उसमें, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप चौधरी जी. डेंसिटी का फॉर्मूला है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया. पॉपुलेशन कितने एरिया में है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया इज फॉर्मूला फॉर डेंस. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो एरिया डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी इंक्रीज की, ज्यादा पॉपुलेशन है कम एरिया में. इज दैट क्लियर? मेघा कुमारी जी आपने कुछ तो टाइप कर दिया, लेस एरिया विद मोर पॉपुलेशन. सो डेंसिटी का फॉर्मूला इज पॉपुलेशन अपॉन एरिया. इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड द एरिया डिक्रीजेज, द डेंसिटी हैज टू इंक्रीज. राइट, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे, दिल्ली, ढाका, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट, ऑल दीज कंट्रीज हैव. इफ यू गो टू रूरल एरियाज, एक घर यहाँ है, दूसरा घर कहीं दूर है, तीसरा घर कहीं दूर है. सो पॉपुलेशन इज लेस, एरिया इज मोर, सो द डेंसिटी इज लो. इज दैट क्लियर एवरी वन? Is that clear? This is density. Disabilities which are life-threatening come under morbidity. Right? अब वही चार चीजें आ गई. अगर एक जगह से लोग चले गए, like मान लीजिए unfortunately अफगानिस्तान से अगर लोग जा रहे हैं, तो वहां पे population density increase होगी या कम होगी? सैयद जी बताइए, दिव्या जी बताइए. If people leave a place, लोगों ने एक जगह को छोड़ दिया, लोग एक जगह से चले गए, सो विल द पॉपुलेशन इंक्रीज और विल द पॉपुलेशन डिक्रीज? टेल मी. द पॉपुलेशन डेंसिटी विल डिक्रीज, द पॉपुलेशन डेंसिटी विल डिक्रीज. दिव्या पौरव गोयल, सैयद, संजय, दिव्या, दिव्याचना, एवरीबडीज आंसर वेल. इफ पीपल कम टू दैट एरिया, दिल्ली में बहुत फैक्ट्रीज हैं, दिल्ली में बहुत जॉब्स हैं, दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, पीपल एंटर, पीपल come inside Delhi, is the density going to increase or the density is going to decrease? Obviously the density of Delhi, the density of Bombay, everybody wants to become an actor, wants to become a cinematographer, wants to become a director, wants to become a producer, wants to become a singer, wants to become a dancer, wants to be part of a reality show, wants to host a TV news channel, wants to obviously go to Mumbai.
राइट सो वहां पे पीपल कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू बिकम एक्टर्स. सो ऑब्वियसली पॉपुलेशन विल इंक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज. एरिया तो नहीं बढ़ेगा ना, एरिया तो उतना ही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, सो डेंसिटी विल इंक्रीज. इफ देर आर मोर नंबर ऑफ बर्थ्स, बर्थ रेट इज वेरी हाई, राइट, निटैलिटी, बर्थ रेट इज हाई, पॉपुलेशन विल इंक्रीज. डेथ्स अगर बढ़ गए, पॉपुलेशन विल डिक्रीज, द डेंसिटी विल डिक्रीज. इज दैट क्लियर? इसके बेसिस पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है. तो अगर एन है पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? बढ़ेगी. अब बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? राइट, क्विज पे आने वाले हैं हम. बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए बता दो वानी मैम को, जल्दी से बता दो. बढ़ने के लिए क्या चाहिए? बर्थ रेट बढ़ जाए और आई बढ़ जाए. और कम होने के लिए क्या? डेथ रेट प्लस एग्जिट. तो अगर इसमें से मैं इस चीज को माइनस कर देती हूं, बर्थ रेट है 100, बर्थ डेथ हुई 10, एंटर किए लोग 50, चले गए 10, तो 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 130 इज द नेट गेन ऑफ पॉपुलेशन. बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई. एंड बर्थ को क्या कहते हैं? नेटैलिटी. आई क्या है? पीपल कमिंग इन साइड एनी. डेथ क्या है? मोर्टैलिटी. इज दैट क्लियर? बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई. रौनक, इज दैट क्लियर? बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई. इसको एक और तरीके से, एंड गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग. प्लीज गो एंड टेल योर यू नो स्कूल फ्रेंड्स, टेल योर कॉलेज फ्रेंड्स, टेल योर कोचिंग फ्रेंड्स अबाउट आर चैनल. अगर मान लो बर्थ रेट है 150 और डेथ रेट है 250, इमिग्रेशन का रेट है आपका मान लेते हैं 100, एडमिग्रेशन का रेट है आपका मान लीजिए 210, 2 या 220. ठीक है, अब मुझे बताओ रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करके बताओ. बी माइ प्लस आई माइनस बी प्लस ई. तो बी प्लस आई क्या है? माइनस, तो कितना हो गया? तो रेट कितना हो गया? माइनस पॉपुलेशन 220 कम हो रही है, माइनस 220 लिखना है आपको. दिस इज रेट ऑफ, इज दैट क्लियर? एक सेकंड का टाइम दीजिए. हेलो, नमस्ते, आप रुक जाइए, मेरी क्लास चल रही है, क्लास के बाद फोन करती हूँ मैं. ठीक है जी, क्लियर एवरीबॉडी? डन. आजकल तो मेरा फोन घूम गया है और मेरे पास कांटेक्ट नहीं होते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता ये इंपॉर्टेंट कॉल है या नॉट इंपॉर्टेंट कॉल है. और मेरे को लोग कॉल कैसे करते हैं? 50-50 कॉल, जैसे कि तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस में नौकरी करती हूँ. राइट, सारी सुविधाओं, सारी प्रॉब्लम्स का हल मेरे पास ही है. राइट, और फिर बस आजकल तो राइट चले चुन्नू मुन्नू द गैंगस्टर्स. यो मासूम मैम, कुछ भी नया नाम रख लिया मेरा ये चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स ने, पर मुझे पता भी है मेरा फोन किसने चुराया. एक छोटा सा बच्चा था, और पता है बहुत बहुत गरीब सा बच्चा था, ऐसे भूखा प्यासा टाइप, तो बहुत ऐसे वो बेगर टाइप का फीलिंग आ रहा था. राइट, तो मुझे पता है, पर मुझे लग रहा है चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं अभी, है ना, कुछ तो होना ही था iPhone 13 आने के लिए. ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही है. देखो टिक टिक टिक, यस यस एवरीबॉडी. अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. राइट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. यो मेरे बच्चों, होगा ना एक्सपो, अगर रिसोर्सेज, अगर सीट्स अनलिमिटेड हुए, राइट, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. इज दैट क्लियर?
टिल 15 ईयर्स ऑफ एज माई डियर सिरी, इज दैट क्लियर? अनलिमिटेड ग्रोथ है, घास है, कोई कोई भी इन एंटलोप्स को खाने वाला नहीं है. देर इज नो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड लाइन. अनलिमिटेड ग्रेजिंग लैंड है, घास फूस खूब ज्यादा है, अनलिमिटेड एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी. जे शेप का कर्व बन रहा है क्या? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में एक जे शेप का कर्व बनते हुए नजर आया मेरे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स को? यस, बायोटोनियंस, वानी मैम के प्यारे प्यारे बायोटोनियंस, ये देखो क्या जे शेप का कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, और कुछ नहीं चाहिए होता है. रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए बस. अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है तो रिसोर्सेज तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है. ऐसे डियर खुश रहेगा, खाएगा पिएगा, राइट? नो सीरी, नो नो नो. डन, इज दैट क्लियर? क्विज आने वाला है, क्विज आने वाला है. चलो 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 चलो, एम्पल रिसोर्सेस चाहिए. अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रेड वाला है, रेड वाला, रेड वाला जे शेप का कर्व दिख गया. और बेटा ये क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी. ये क्या होता है? रुक जाओ अभी, आप लोग पढ़ो पहले थोड़ा सा, फिर कर्व पे आएंगे. ये क्या होता है बेटा? जहां पर जिसके ऊपर पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकती, जहां पर जाकर उसको रुकना ही रुकना है, वो होता है आपका के. के का मतलब क्या होता है बेटा? के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, इससे ज्यादा नहीं है. देखो बेटा, अगर मम्मी किचन में काम कर रही है, आप मम्मी को बोलो मम्मी पानी पिला दो, मम्मी पिला देगी. मम्मी प्लीज चाय पिला दो, वानी मैम की क्लास चल रही है, मैं क्लास से उठना नहीं चाह रहा, मम्मी पिला देगी. मम्मी एक काम करो, मम्मी एक दो बिस्किट दे दो चाय के साथ, मम्मी दे देगी. ठीक है, मम्मी एक कप पानी और पिला दो प्लीज, मम्मी पिला देगी. क्लास खत्म हो गई उसके बाद, हाँ उसके बाद, मम्मी एक कप फैंटा पिला दो ना, मम्मी थोड़ी देर बाद, मम्मी एक समोसा खिला दो ना, मम्मी मम्मी लंच भी इधर दे दो ना, मम्मी लंच में मम्मी अचार दे दिया, मम्मी आपने खाना दे दिया, सब्जी दे दी, रोटी दे दी, उसके बाद मम्मी थोड़ा चावल दाल भी डाल दो ना. फिर क्या आएगा? चावल दाल बोलते क्या आएगा उड़ते हुए? क्या आएगा? फ्लाइंग चप्पल आएगी. यस, क्या आएगा? फ्लाइंग चप्पल आएगी कि नहीं आएगी? उड़ते हुए सीधा लैंड करेगी यहां पे. यस, हो सकता है यहां भी लैंड कर जाए. एकदम सटीक आएगी फ्लाइंग चप्पल और लगेगी. यस और नो? ठीक है, थोड़ी देर तक चल सकता है. उसके बाद सीरी विल हैव टू टॉक अबाउट इट लेटर बेटा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्लास. इज दैट क्लियर? मेरी मॉम मुझे भी खा लो. नहीं, मेरी मॉम मुझे भी खा लो नहीं करेगी, मेरी मॉम मुझे खा जाएगी. यस, दिन में तारे दिखाएगी, मुझे खा लो नहीं करेगी मेरी मॉम. ना 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 नो, मेरी मॉम मुझे खा जाओ नहीं करेगी, मेरी मॉम मुझे खा जाएगी बिना नींबू मिर्ची के. यस, बस ऐसा. डन. नो, फ्लाइंग चप्पल मारेगी पहले, दूर से फ्लैट कर देगी मुझे एकदम पापड़ की तरह, फिर खा जाएगी रोस्ट करके. ठीक है, तो वो कैरिंग, एक लिमिट होती है, लिमिट ऑफ, तो इससे ऊपर रिसोर्सेज नहीं है, इसके ऊपर रिसोर्सेज नहीं है, इतना ही नेचर कैरी कर सकता है. उसके बाद सुनामी आएगी, उसके बाद वॉल्केनो फटेगा, राइट? उसके बाद COVID-19 आएगा. नेचर को हम कितना तंग करेंगे? उसके बाद नेचर रिटेलिएट करेगा. यू अग्री विद मी? अनलिमिटेड होगा, जे शेप्ड कर्व होगा, राइट? उसके बाद नेचर, ये अनलिमिटेड है ये, बाकी कर्व कैसे? उसके बाद नेचर रिटेलिएट करेगा. नेचर बोलेगा बस बेटा, ह्यूमन बीइंग नाउ सिट एंड लिसन टू मी, सिट इनसाइड योर होम. बाकी यहां पर जाकर अटक जाएंगे. कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज ऑल अंडरस्टूड एवरीबडी. नेचर विल नॉट टॉलरेट आफ्टर दैट. दैट इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ नेचर टॉलरेंस. सो इफ पॉपुलेशन माई डियर किड्स इज एन, बर्थ रेट है बी, डेथ रेट है डी, तो डी एन बाई डी टी. टाइम क्या है? टी क्या है? आफ्टर टाइम टी, राइट? तो डी एन बाई डी टी आर. आर क्या है? अनलिमिटेड आर एन, अनलिमिटेड रेट, बर्थ रेट अनलिमिटेड रेट है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है रेट. रेट क्या होता है बेटा? रेट क्या होता है? बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू आर. समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डी एन बाई डी टी, बर्थ माइनस डेथ को हम आर कहते हैं, रेट, राइट? बर्थ कितना हो रहा है? 100. डेथ कितना हो रहा है? 10. रेट कितना है? 90. रेट कितना है? 90. रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इसके अंदर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कितना होता है बेटा, बताओ? इसके अंदर अनलिमिटेड है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है. आर एन आया समझ में? आर एन डन. और सेकंड ब्लू वाले में क्या है बेटा?
इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचर इंक्रीज। रेड वाला क्या है बेटा? जे शेप्ड। ब्लू वाला क्या है बेटा बताओ? ब्लू वाला, रेड वाला जे शेप, ब्लू वाला क्या है बेटा? यस ओके आई विल डू इट सीरी। ब्लू वाला क्या है बेटा बताओ? ब्लू वाला क्या है? ब्लू वाला इज कैरिंग कैपेसिटी वाला, इट इज द वन विच हैज कैरिंग कैपेसिटी। रेड वाला है इंट्रिंसिक रेट बहुत ज्यादा है, राइट एवरीबडी, उसमें कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, उसमें कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है सेकंड वाला, वो रुक रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ बेटा, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व क्या होता है, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं सिग्मोइड ग्रोथ। बेटा देखो, जब भी कोई चीज स्लोली ग्रो करती है, पहले धीरे, लैग, स्लो, लैग, टाइम लगता है, लैग, उसके बाद एकदम बढ़ती है, लॉग, विच इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसके बाद जाके रुक जाती है, प्लेटू, स्टेशनरी, बस और नहीं। तो ये कर्व आपका लगभग एस शेप्ड होता है। किस शेप का होता है बेटा? लगभग एस शेप का। इसे कहते हैं स्कैमोन्स ग्रोथ कर्व, इसे कहते हैं सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। इसके पार्ट होते हैं लैग, लॉग, स्टेशनरी। इज दैट क्लियर? जिया जी आज आ रहा है बेटा, स्मार्ट बोर्ड लगाने वाले लोग, 2-3 दिन में स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? लैग, लॉग एंड स्टेशनरी। आ गया समझ में सारे बच्चों को? पक्का? प्रॉमिस? राइट, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी कर्व्स। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या है? एक्सपोनेंशियल डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। और ई क्या होता है बेटा? ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। आर एन अगर किसने लिख दिया, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन लिख दिया, तो वो जो ये वाला फॉर्मूला डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, वो एक्सपोनेंशियल है। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ब्रैकेट में के माइनस एन, कैरिंग कैपेसिटी माइनस जो एन टाइम पे था, पॉपुलेशन डेंसिटी एट द बिगिनिंग एन, एन टी इज आफ्टर टाइम टी, एन क्या है विच इज एट द स्टार्टिंग, डी एन बाई डी टी आर एन एक्सपोनेंशियल, डी एन बाई डी टी आर एन ब्रैकेट में के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। आई रिपीट, दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है। क्या है बेटा फॉर्मूला बताइए? दो फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल इसमें कभी घबराइएगा मत, गलती मत। डी एन बाय डी टी, ये एन को कैपिटल कर दो, ये क्या है बेटा? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, यस और नो? ये किसका है? एक्सपोनेंशियल। और ये क्या है बेटा? This is the one which is ये वाला स्कैमोन, स्टेशनरी हो जाएगा। के क्या है बेटा? कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। एन इज द रेट ऑफ इंक्रीज। इज दैट क्लियर? एन, एन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ इंक्रीज मतलब क्या कहते हैं? एन क्या है? डेंसिटी। टी क्या होता है? टाइम। तो मैं एक बार दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको बेटा, टाइम, डेंसिटी, ये क्या है बेटा? एक्सपोनेंशियल। क्या फॉर्मूला है बेटा बताओ? डी एन बाई डी टी, टाइम को हमेशा ऐसे लिखते हैं बेटा, एन को कैपिटल लिखते हैं, एन क्या है बेटा? डेंसिटी। टी क्या है बेटा? टाइम। कैसे लिखते हैं? इज इक्वल टू आर एन। आर क्या है बेटा? रेट। रेट क्या होता है बेटा? बी माइनस टी, सिंपल। और जो ये वाला है बच्चे, ये वाला कभी मत भूलिएगा इन क्वेश्चंस, ये वाला, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन, के माइनस एन बाय के। और के क्या है बेटा? ये कैरिंग कैपेसिटी, जिस पे वो आके अटक गया, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, के। डन? Very simple. Are you all understanding? मैंने इतनी बार करा दिया, अब तो भूल नहीं सकते, इतनी बार करा दिया, अब तो भूल नहीं सकते। कैरिंग कैपेसिटी है। R क्या है बेटा? रेट है। K क्या है बेटा? कैरिंग कैपेसिटी है। Is that clear? Done?
एन क्या है बेटा? डेंसिटी. टी क्या है बेटा? टाइम. एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या है बेटा? डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन. बेटा स्टेशनरी वाला जो रुक जाता है कैरिंग कैपेसिटी पे, उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन ब्रैकेट में के माइनस एन डिवाइडेड बाय के. के क्या है बेटा? कैरिंग कैपेसिटी. इज दैट क्लियर? ई क्या है बेटा? एक्सपोनेंशियल लॉग. अंडरस्टूड? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. कोई भी पॉपुलेशन नहीं है जहां अनलिमिटेड ग्रोथ है. कोई भी लॉजिस्टिक्स, कैमॉन्स, लॉजिस्टिक, कोई भी पॉपुलेशन ऐसी हो ही नहीं सकती जहां अनलिमिटेड ग्रोथ है. हो सकती है? आप बताओ, अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है? कहीं पर भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो दुनिया में कहीं नहीं है. तो इसीलिए बेटा हमेशा ये क्या होता है बेटा? कैरिंग कैपेसिटी. और बेटा ये आपका ग्रोथ कर्व क्या होता है? पहले धीरे, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर रुक जाता है. बिकॉज नेचर ऑलवेज हैज लिमिटेड रिसोर्सेज. तो लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या शुरू होता है बेटा? फाइटिंग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो यहां पर जाकर बेटा हमेशा सैचुरेशन होता है रिसोर्सेज, क्योंकि हमेशा लिमिटेड है. कभी हो सकता है किसी बैक्टीरिया वगैरह को शुरू में बहुत खाना मिल जाए तो हो सकता है, बट हमेशा नेचर में सैचुरेशन आएगी. नेचर में सैचुरेशन आएगी. अंडरस्टूड? लॉजिस्टिक अनलिमिटेड नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता. सिर्फ फिट इंडिविजुअल सरवाइव करेंगे, फिटेस्ट. इसीलिए बेटा आपकी सीट्स भी लिमिटेड हैं. आपकी अनलिमिटेड सीट्स नहीं हो सकती, फिटेस्ट ही सरवाइव करेंगे. यस और नो? अनलिमिटेड सीट्स नहीं हो सकती, फिटेस्ट. इसीलिए जिनका रैंक मान लीजिए 15,000 से ऊपर आएगा वही सरवाइव करेंगे, बाकी लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सैचुरेशन का मतलब है बेटा अगर मुझे 10 किलो आटा चाहिए तो नेचर में 10 किलो आटा ही है, मैं 1,000 किलो आटा नहीं यूज कर सकती हूँ. सैचुरेशन का मतलब होता है तियाशा, अगर आपको 10x चाहिए मटेरियल, नेचर के पास 5x है, 5x के ऊपर मटेरियल अवेलेबल नहीं है. अनलिमिटेड रिसोर्सेज नेचर में नहीं होते हैं. तो थोड़ी देर बाद आपने देखा मिट्टी में भी खाद डालनी पड़ती है, मिट्टी को भी गुड़ाई करनी पड़ती है, मिट्टी में भी यूरिया डालना पड़ता है, केमिकल्स कई डालने पड़ते हैं, बिकॉज मिट्टी के भी न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस पॉइंट पे जहां पर जाकर सैचुरेशन हो जाए, अब इससे ज्यादा नहीं. थोड़ी देर बाद मम्मी में भी सैचुरेशन होगी, मम्मी भी फ्लाइंग चप्पल मारेगी अनलिमिटेड डिमांड करोगे तो. उस पॉइंट पे जहां पे फ्लाइंग चप्पल पड़ेगी, मम्मी सैचुरेट हो गई, मम्मी कह रही और नहीं, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी. इज दैट क्लियर एवरीबडी? और ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज में पहले लैग आएगा, स्लो ग्रोथ, फिर एकदम से एक्सेलरेशन होगी, फिर रुकना पड़ेगा, डी एक्सेलरेशन होगी. यस, दिस इज कॉल्ड द वेहरुलेस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक कर्व का एक और नाम क्या है? वेहरुलेस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ. परफेक्टो, जिलेटो, वेलेटो, ड्रॉपर्स. अब हम एक भी चीज को छोड़ नहीं रहे, एक एक चीज को डिटेल में करते चलेंगे. दिस इज कॉल्ड द वेहरुलेस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ. अब मुझे ये बता दो बेटा, सारी बातें एक तरफ, बस मुझे एक बात बताओ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कुछ कर रहे हो बेटा, मेरे कहने पे वो 15 दिन वाला कोर्स ले लो, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, लाइक रियली गोइंग टू हेल्प यू. डन? वो 15 दिन वाला कोर्स ले लो, प्लीज 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 डन. देखना फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर एक बार वेदांतु के टीचर से पढ़कर देखना, और फिर देखना फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी ईजी हो जाएगी मक्खन मलाई की तरह, और फिर कितना पढ़ना आसान हो जाएगा. इट इज कॉल्ड द वेरुलेस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. ये रहा आपका. इस चार्ट को मैंने 50 बार आज की क्लास में समझा दिया है, 50 बार. अब मैं और नहीं समझा सकती. डीएन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के. डन. हाय श्रवानी, हाउ आर यू? डन. लॉजिस्टिक इज मोर रियलिस्टिक. अनलिमिटेड तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? लॉजिस्टिक इज मोर रियलिस्टिक. डन. एंड गाइस, वाईटी में टीचर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, पर जो टेस्ट देने हैं ना, जो असाइनमेंट देने हैं, जो डाउट सॉल्व करने हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना, ठीक है? तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर मैं मेंटी को इस पर चलती हूँ फटाफट से. तो ये जो है ना आपका वी डी प्रो, ये आपको ये कोड एटलीस्ट आपके डाउट्स क्लियर करेगा, टेस्ट, असाइनमेंट्स, डिस्कशंस, सब कुछ. तो इसके बारे में मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, जस्ट 1 मिनट एंड देन वी कैन क्विकली मूव ऑन टू आवर क्लास. तो आपको पता है शाम को तो मॉर्फो का लेक्चर है, डोंट मिस दैट. 7 PM है नया लेक्चर मॉर्फोलॉजी का. इस क्लास के नीचे जाइए और यहाँ पर कह दीजिए मैं 13 ग्रेड का ड्रॉपर हूँ.
लास्ट ईयर भी हो सकता है आपने यूट्यूब पे स्टडी की, तो इस बार एक बार वेदांतों पे भी पढ़कर देखिए। स्पेशली उसमें माइक्रो कोर्सेज है, एक टॉपिक के लिए 1000 टाइम्स आप लाइव लेक्चर देख सकते हो, कैसे समझ में नहीं आएगा, हजारों टेस्ट दे सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो क्लास टीचर से, इन क्लास डाउट्स पूछ सकते हो, आफ्टर क्लास डाउट्स, कितनी बुक्स होती है पढ़ने की, पर आपको वेदांतु का स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आप सिर्फ 15 डेज का कंप्लीट कोर्स डोंट बाय, ट्राई दिस फॉर 15 डेज एंड देन सी हाउ मच यू आर गेनिंग फ्रॉम इट। कोड है आपका वीडी प्रो। वॉट इज द कोड? वीडी प्रो। डन। So just come, my book is coming out in the next 15 days, beta. तो आ जाइए, ये रहा population growth and mentee quiz आपके सामने है, 5935-5987, चलो, 5935-5987, चलो, फटाफट से आ जाओ, 5935-5987, जल्दी, जल्दी, जल्दी। एंड गाइज, एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ऐसी बातें मैं करती नहीं हूँ पर फिर भी बताना चाहती हूँ। आपको पता है, मतलब यार डॉक्टर बन जाओ यार, मतलब पढ़ो यार, खूब पढ़ो। आपको भी नहीं पता यार आपके मॉम डैड कितने खुश होंगे, आपको सच में नहीं पता कि यार आपका कैसे लाइफ बदल जाएगी यार। गाइस, मतलब यू नो योर यू आर गोइंग टू बिकम द मोस्ट अमेजिंग डॉक्टर्स। खूब मेहनत करो यार, जो प्रॉब्लम आ रही है हमें बताओ, वी आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और ये मत सोचना यार वानी मैम कोड लगाती, वानी मैम बोलती कोड, यार इट इज़ फॉर यू। पता है, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कई बार यूट्यूब पे। यार मैं तो यूट्यूब करती हूँ, मैं तो एडल्ट हूँ, मेरे पास तो ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एग्जाम देने की, फिर भी यूट्यूब पे एक बार बैठ जाओ, कितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप मेरे कहने पे ना अगर सिर्फ 15 दिन की क्लास लगा के देखना, आप एक क्लास के अंदर चले जाओगे यार, आपके वहाँ डाउट सॉल्व होंगे, आपको वहाँ टीचर्स पढ़ाएंगे, आपको वहाँ बुक्स भी मिलेंगी, मतलब। एंड गाइस, आपको मतलब अगर ये भी नॉन अफोर्डेबल लगता है ना, तो आप यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हो यार, पर आप कुछ तो मतलब कुछ जो आपने गलतियां लास्ट ईयर की थी ना, कि अगर आपने टेस्ट नहीं दिए थे, अगर आपके डाउट्स प्रॉब्लम हो गई थी, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी, देन डोंट हेजिस्ट फ्रॉम टेकिंग दैट मेंबरशिप, राइट? खूब मेहनत करो गाइस, जस्ट बहुत मेहनत करो और कुछ बहुत अमेजिंग करके दिखाओ। यस, ओ प्रथमेश, डोंट से दिस यार, बट मैं अपनी तरफ से यार फुल मेहनत कर रही हूँ, और मैं मतलब मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ, मैक्स टू मैक्स व्हाट आई कैन डू, आई एम ऑलवेज डूइंग दैट फॉर यू एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट, बिकॉज यार यू आर द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री ना। यस, जॉइन। चलो क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी जल्दी। वीडी प्रो बहुत अमेजिंग है, वेदांतो की प्रो मेंबरशिप बहुत अमेजिंग है, एक बार पढ़ के देखो। आर सिलेक्टेड स्पीशीज क्या होती है बताओ यार, मैंने कितनी बार पढ़ाया, और मैंने स्पेशली आज नहीं बताया था बिकॉज यू नो दिस, तो मैंने सोचा आज तो मैं नहीं बताऊंगी आपको। आर सिलेक्टेड, आर सिलेक्टेड स्पीशीज क्या होती है? 10 सेकेंड्स, जल्दी 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 बताइए। मैक्सिमम रिप्रोडक्शन, आर स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन, जिनका मैक्सिमम रिप्रोडक्शन है आर सिलेक्टेड स्पीशीज, जिनका रिप्रोडक्शन कम है और ग्रोथ ज्यादा है के सिलेक्टेड स्पीशीज। लिख लो, लिख लिया, जिनका मैक्सिमम रिप्रोडक्शन है आर सिलेक्टेड स्पीशीज, जिनका ग्रोथ ज्यादा है और रिप्रोडक्शन कम है के सिलेक्टेड स्पीशीज। नेक्स्ट वन, राइट यू ऑन द चैट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडी। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट क्या होता है बताओ? एसिम्प्टोट आज की क्लास में मैंने 4 बार बताया ये चीज आपको, व्हाट इज एसिम्प्टोट? क्या मतलब हुआ इसका?
ये एन है ये टी है, अगर के एन के पास आ जाए, इट अप्रोचेस द लाइन एन टी के बट डज नॉट ज्वाइन इट. इट अप्रोचेस द लाइन बट डज नॉट ज्वाइन इट इज कॉल्ड एसिम्प्टोट. ये एन है, ये टी था, ये के है. अगर के एन के पास आ जाए, अप्रोच करता है पर ज्वाइन नहीं करता, आया समझ में? अप्रोच करता है पर ज्वाइन नहीं करता इज एसिम्प्टोट. कितने बच्चों को समझ में आ गया? राइट यू ऑन द चैट सेक्शन प्लीज. अप्रोच करता है पर ज्वाइन नहीं करता, अंडरस्टूड? अप्रोच करता है पर ज्वाइन नहीं करता. ठीक है, अगला सवाल. नेक्स्ट, क्लियर? थर्ड, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल जीरो? ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो बड़ा ही सिंपल है. वैल्यू जीरो कब होगी? एन प्लस के वन है, राइट? एन बाय के वन है. वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो. यार यार यार, फॉर्मूला सामने दिया है, चुन्ने मुन्ने टुन्ने पुन्ने, फिर भी गलत कर रहे हैं, पिटाई खाएंगे आज. ये सामने फॉर्मूला दिया है. 4:12 बजे मेरी ट्रेनिंग है, जल्दी करो. गाउसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन. दो लोग एक ही जगह खा रहे हैं तो एक को लात मार के भगा देंगे, क्या मतलब हो इसका? रौनक, साई, लक्ष्मी, कौटनी, सुकन्या, सैयद, रौनक, दीपांशी. जल्दी 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 जल्दी. एंड गाइज, यू आर द बेस्ट. आप ये याद रखो, आई एम राहुल द्रविड बिहाइंड यू. सो आई एम लाइक द वॉल, आई एम लाइक द रॉक बिहाइंड यू. आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी होती है, आप मेरे घर में आ सकते हो. आपको मैं सड़े हुए तो नहीं, मतलब जले हुए परौंठे खिला दूंगी. यस, आप मेरे लिए बना देना, हम दोनों मिलके गार्डन में बैठ के मजे से खाएंगे. बट बिल्कुल टेंशन मत लो यार. नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश. अगर एक ही निश पे है तो दूसरी उसको लात मार के भगा देगी. नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश. इज दैट क्लियर एवरीबडी? पढ़ाई करो, आई एम देयर विद यू, दिस चैनल इज देयर विद यू. एंड चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वी आर टुगेदर, वी आर वन फैमिली, द बायोटॉनिक फैमिली. एंड दिस फैमिली विल नेवर लीव यू. आई एम प्राउड ऑफ ऑल माई मैस्कॉट्स. भले ही आप डॉक्टर बनो ना बनो, बट आई एम प्राउड ऑफ यू. बट डॉक्टर तो बनना ही है. यस, डन. यो, चाय तो बना ही देती हूँ यार मैं, बढ़िया चाय बनाती हूँ. कई बार फट जाता है दूध, अदरक ज्यादा डाल देती हूँ. खाना तो मैं इंटरनेशनल बनाती हूँ, खाने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. यस, और मेरे पास गार्डन भी बहुत बड़ा है, उसमें मैं 2-3 टेंट लगा दूंगी, 100-200 बच्चा तो वहीं सो जाएगा. यस, बना दोगे ना? परफेक्ट. चलो, क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके लीडर बोर्ड पे आएंगे. चलिए, और एक पॉन्ड भी है मेरे गार्डन में, वहीं सो जाना, वही नहा लेना. ये तो मैंने आपको कराया अभी. अरे यार, फोटो हटा देती हूँ. 250 एवरेज मोर्टैलिटी, 240 मोर्टैलिटी को 240 दिया है. अरे यार, फोटो के चक्कर में छुप गया. अयो रामा, व्हाट इज हैपनिंग? अयो, फिर भी बच्चों ने आंसर कर दिया, वो बड़े कम बच्चों ने आंसर किया. डन बेटा, बैकलॉग पे मैंने लेक्चर बनाया थोड़े दिन पहले, दीपांशु उसको देख लो. दीपांशे, थैंक्स बेटा. दिव्या, सुकन्या, वंदना, तनु, लक्ष्मी, लक्ष्मी भेजती हूँ भेजती हूँ भेजती हूँ. खुशी, त्याशा चैटर्जी, कृष्णा वेनी, परफेक्ट. इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं. कल इसी टाइम मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस. और परसों से शुरू करेंगे अपना 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स. यो एवरीबॉडी, चलिए, टेक केयर. अब मेरी एक और क्लास है तो मैं भागती हूँ उस क्लास की तरफ. लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर एंड बाय 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 गाइज. बाय. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड वीडी प्रो. क्लास में आ जाइए, 13 ग्रेड ड्रॉपर. यहाँ पे वीडी प्रो कोड लगाओ, क्लास में आ जाओ. 15 डेज का वानी मैम के कहने पे ले लो, और फिर देखना, योर लाइफ विल चेंज. सच में नहीं होगा तो वानी मैम बोलना, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से रिफंड कर दूंगी. डन. इट इज जस्ट दिस दैट यू विल रियली रियली इट इज यू रियली गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट. टेक केयर. बाय बाय बाय.
आई नो कोटनी कल से थोड़ा लंबा कर लेंगे, आज 30 41 मिनट्स में खत्म हो गया। बाय गाइस।